जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आप लोगों ने देख रखा होगा लोक नृत्य, और कुछ लोग जो मुझसे पहले जुड़े हुए उन्होंने एक चीज क्लास देखी भी होगी लोक नृत्य की, उसमें भी मैंने ट्रिक बताई, ट्रिक आज भी बताऊंगा। उस ट्रिक जिसको भी याद है वो आज रिवीजन कर लो, वरना आज एक नई ट्रिक और बनाई है जो कि आप लोग देखो है ना, क्योंकि सर वास्तव में क्लास में ही याद हो गया, आप कहीं कुछ भी नहीं करना है, जो चीज मैं पढ़ाऊं बस वो अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। ठीक है, आज की बात नहीं, एग्जाम दे लोगे उसके बाद भी कभी नहीं लाइफ में भूलोगे, ऐसी ट्रिक्स सोचो आप पहले। अभी देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जान लो, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य को एक ही बात है, ठीक है ना, मतलब है तो अलग अलग लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक ही लेना है सब कुछ। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश का मैं लोक नृत्य देखना। अब ट्रिक इसकी देखनी है, देखो ट्रिक, ऐसी ट्रिक जो आपको मिलेगी कहीं नहीं ट्रिक मिलने वाली, ऐसी ट्रिक बनाता हूँ ठीक है, जो जीके की पहले वीडियो क्लास देखते थे उनको सबको बताओगे। कजरी नो झूला रास, कजरी नो झूला रास, देखो यहाँ पर एक लय भर रही होगी, कजरी नो झूला रास यानी कजरी को ना झूला रास भैया, कजरी को कोई चीज मत नहीं झूली है, इस तरह से कुछ आपको वर्ड लग रहा होगा कि कजरी नो झूलो रास, झूला रास यानी कजरी को ये चीज अच्छी नहीं लगी, कजरी नो झूला रास। और ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है, बस यहाँ पर चार लोक नृत्य है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, भले ये आया जाए चाहे ये चाहिए चाहिए। अब ये कहोगे सर ये है क्या, अभी तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कजरी नो झूला रास जो ट्रिक है उसके बारे में क्या है। अब देखो कितना बढ़िया, कजरी नो झूलो रास, कजरी नो झूला रास, जिस तरह से याद कर लो, चाहे झूलो रास चाहे झूला रास, कजरी नो झूला रास आज के बाद कभी लाइफ में भूलोगे ही नहीं, ठीक है ना। कजरी तो कजरी हो गया, ये तो हो गया हमारा पहला, कजरी से कजरी। दूसरा नो से हमारा हो गया नौटंकी, नौटंकी हो गया। तीसरा झूला से झूला ही रहेगा, ठीक है ना, झूला। और चौथा रास से हमारा हो गया रासलीला, रासलीला। अब बताओ कभी लाइफ में भूलोगे ऐसी चीजें, कजरी नो झूला रास, कजरी से कजरी, नो से नौटंकी, झूला झूला से झूला, से झूला, रास से रासलीला। बताओ चारों के चारों याद हुए नहीं हुए अच्छे से, चारों के चारों याद हो आपके। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी ये ट्रिक, कभी आप कोई भी नृत्य आ जाए। देखो उत्तर प्रदेश स्पेशल जब क्लास वो मतलब कि होगा ना एग्जाम होता है कोई सा, तो उसमें बहुत चीजें ऐसी पूछी जाती है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित होती है, तो ये सब उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, कजरी नो झूला रास, कजरी नौटंकी झूला रासलीला, कजरी नौटंकी झूला रासलीला, मिटा रहा हूँ इसको, तब तक नोट कर लो। एक और आपको लिखाऊंगा शास्त्रीय नृत्य, बहुत ही जबरदस्त, देखो अब एक दूसरा और लिखाऊंगा आपके लिए बहुत जबरदस्त, ऐसे चाहो तो मैं सब राज्यों में ऐसी दोस्तों लिखा दूं बना के, है ना। आंध्र प्रदेश के और डाल लो, दूसरा नंबर पर है हमारे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य, आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य, इसकी ट्रिक क्या होगी हमारे पास, अंधी मोहिनी चच्ची, थोड़ा मार्कर भी हो गया डाउन, अब चलो इससे लिखा देते हैं, काम चलाते हैं ना। ट्रिक अंधी मोहिनी चच्ची, आंध्र प्रदेश के ये लोग नहीं रहते, इतना सा याद करना है अंधी मोहिनी चच्ची, और इतना सेंटेंस तो हर कोई याद कर लेगा कि अंधी मोहिनी चच्ची, अंधी से देखो तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है आपको, अंधी मोहिनी चच्ची, ठीक है ना। अगर आप लगाना चाहो तो यहाँ घंटा और लगा देना, ठीक है ना, घंटा नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आएगा नहीं हमारे घर, ठीक है ना, घंटा से भी ये कुछ है शायद इस तरह का कोई है, लेकिन वो आएगा ही नहीं, कोई दिक्कत उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। इसके दो ही पूछे जाते हैं, जो अब तक पूछे गए रिपीट किए गए वो दो ही। देखो आंध्र प्रदेश, अंधी से होगा हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अब आंध्र प्रदेश तो हमारा हो गया, लेकिन मोहिनी चच्ची इसका क्या मतलब है, तो पहला मोहिनी से मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, चच्ची से हमारा यानी कि कुची पुड़ी, चच्ची कच्ची कच्ची, ठीक है ना, कुछ भी लिख लो जैसे आपको याद रहे, कुची पुड़ी, इस तरह से। ये दूसरा हमारा आंध्र प्रदेश की, ये दोनों आंध्र प्रदेश के हो गए, बताओ आपको याद हुए नहीं हुए, ये दोनों आंध्र प्रदेश के हो गए उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य।
अंधी मोहिनी चच्ची, आंध्र प्रदेश यानी मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी, और उत्तर प्रदेश के चारों, कैसे आपको याद हुए अच्छे के लोग ने मुझे कमेंट्स में दोस्तों जरूर बताना। अभी छोटी छोटी क्लासेस दूंगा, ट्रिक ऐसी बनानी पड़ती है दोस्तों, ठीक है ना, ये आपको ट्रिक कहीं नहीं मिलेंगी आज से पहले, पूरा यूट्यूब खोज मारो, कोई भी किताब उठा लो, ऐसी आपको ट्रिक मिलेगी ही नहीं। और आप बताओ ट्रिक कैसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, तभी आपको क्लास ऐसी जबरदस्त देता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। और बताना, अभी कुछ देर बाद मैं एक क्वेश्चन डालूंगा मैथ के, एक दो क्वेश्चन मैथ के मैं आपको शॉर्ट में बताया करूंगा, जिससे कि आप लोग उसका रिवीजन करके मुझे आंसर बता सको अच्छे से, ठीक है। चलते फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जय हिंद।